हम लोग अभी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस प्रकार की औद्योगिक नीति पारित की गई और आज किस तरह की औद्योगिक नीति चल रही है और कौन सी औद्योगिक नीति चलाने के लिए तैयारी चल रही है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। 1947 में जब देश भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारे देश में ब्रिटिश सरकार जो औद्योगिक नीति अपनाई हुई थी जिसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन पॉलिसी, जिसके अंतर्गत चीनी उद्योग को संरक्षण प्रदान की थी, चीनी उद्योग के साथ साथ और कई उद्योगों को ब्रिटिश सरकार ने संरक्षण प्रदान किए थे। संरक्षण का अर्थ होता है कि विदेशी वस्तुओं को भारत में आने को रोकने के लिए विदेशी वस्तुओं पर तटकर बढ़ा दिया जाता है। जैसे चीनी, अगर उस जमाने में चीनी 10 रुपये किलो बिक रहा होगा तो विदेश से आने वाली चीनी के ऊपर 200% टैक्स लगा दिया, 200% टक्कर लगा दिया, तो 10 और 200 का 20 हो गया, तो 30 रुपये चीनी हो जाएगा। अगर विदेश की चीनी लेते हैं तो 30 रुपये हो जाएगा। तो इससे देश के जितने भी खरीदार हैं, क्रेता हैं, वो विदेशी वस्तु से परहेज करने लगते हैं और अपने ही देश की वस्तु को खरीदते हैं, अपने ही देश की चीनी को खरीदते हैं। और इस नीति से जो 1933 में हमारे देश में लागू किया गया, 32-33 में डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन पॉलिसी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बड़ा ही महत्वपूर्ण शुरुआत था, विविधात्मक संरक्षण नीति, विविधात्मक संरक्षण नीति के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के समय ब्रिटिश भारत सरकार ने चीनी उद्योग को शिशु उद्योग घोषित किया, चीनी उद्योग को शिशु उद्योग घोषित किया। शिशु उद्योग को कहते हैं इन्फेंट इंडस्ट्री। इन्फेंट इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री है जो अभी शिशु काल में है, अर्थात हाल में ही उसको स्थापित किया गया है और वो विदेश की पुरानी बड़ी कंपनी, चीनी कंपनी, चीनी मिल से प्रतियोगिता करने में सक्षम नहीं है। लेकिन फिर भी विदेश से आने वाले चीनी को आप कैसे रोकेंगे, तो उसको रोकने के कई तरीके हैं, जिसमें सबसे तेज तरीका, स्पष्ट तरीका है तटकर को ऊंचा कर देना। अंग्रेज की सरकार ने, अंग्रेज की भारत सरकार थी, वो चीनी उद्योग पर तटकर को 300% बढ़ा दी, ताकि अभी नए नए चीनी उद्योग को स्थापित किया जा रहा है भारतवर्ष में, वो भी अंग्रेज उद्यमी के द्वारा। उसी क्रम में बिहार में चीनी मिल स्थापित हुआ। 1932-33 में दर्जनों चीनी मिल बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मोतीपुर, इन सब जगहों पर नॉर्थ बिहार में चीनी मिल लगाए गए और वो चीनी मिल की कैपेसिटी ऐसी नहीं थी वो विदेशी चीनी मिल से प्रतियोगिता कर सके। विदेशी चीनी मिल का उत्पादन अधिक था, लागत कम था और कीमत भी कम था। अगर हम चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष का चीनी उद्योग तरक्की करे तो विदेश से चीनी भारत में प्रवेश न करे, इसके लिए ऊंचा तटकर लगाया गया। और ऐसा करने से भारत का चीनी उद्योग काफ़ी तरक्की किया। 5 लाख टन चीनी का निर्यात
भारत से होने लगा। भारत में जहाँ चीनी पहले आयात किया जाता था वहाँ भारत से चीनी का निर्यात होने लगा, और उसी क्रम में 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद अंग्रेज उद्यमी सब भारत छोड़ के इंग्लैंड लौटने लगे, तो उन चीनी मिलों को बेच दिया भारत के उद्यमी से। बहुत सारे बिहार में चीनी मिल खरीदे गए भारतीय उद्यमियों के द्वारा, लेकिन वो आगे चल करके सफलतापूर्वक उत्पादन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो चीनी मिल जो अंग्रेज उद्यमी ने लगाया था वो इंडोनेशिया के कबाड़ी बाजार से खरीदा हुआ मशीन था। अंग्रेज उद्यमी पूछा कि ये कबाड़ी वाले से कि मशीन चलेगा ना, उत्पादन देगा ना, वह एकदम देगा, तो कितना साल देगा? कहा कि 15 साल आराम से देगा। वो समय था 1932 का, 1932 से 15 जोड़िएगा तो कितना होगा? 1947। देखा कि 47 तक तो हम लोग छोड़ के चले ही जाएंगे, भीतर में अंग्रेज भी मन बनाए हुए थे। हम लोग भले कहते हैं कि हम लोग अहिंसा से जीत लिए, तो सच्चाई क्या है? वो भागना चाह रहा था। अगर कुछ साल और रह गया होता तो भारत का बंटवारा नहीं होता। हम लोग आज़ादी पाए लेकिन देश को टुकड़े टुकड़े में बंटने वाली नीति के साथ, दो टुकड़ा में बटा, फिर आज वो 3 टुकड़ा हो गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम लोग के सामने में अभी भी वो एक महत्वपूर्ण इशारा कर रहा है कि आज़ादी जो है 100% होना चाहिए, उसके बाद हम लोग आपस में जो करना होता करते हैं। इस शर्त पर कि बांट के ही आज़ादी देंगे तो ये हम लोगों के देश के लिए बहुत बड़ा धोखा हुआ। अमेरिका की जो जमीन है वो हम लोगों से कई गुना ज्यादा है, और वहाँ आदमी है 33 करोड़, हमारे देश में आदमी है 133 करोड़, और जमीन हो गया कम। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि औद्योगिक नीति जो अंग्रेज के साथ आरंभ हुई, विभेदात्मक संरक्षण की नीति, वो समाप्त हो गई। और 1948 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1948 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उद्योग मंत्री थे, उन्हीं के निर्देशन में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति स्थापित की गई, और उसको कहा गया 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी देश के सारे उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांट दिया। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इन तीनों में अलग अलग उद्योगों को रखे गए जो राष्ट्र के हित का उद्योग है, जो देश के सुरक्षा का उद्योग है, जो खतरनाक उद्योग है, इन सभी को श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में रखा गया। और वो भारत सरकार के अंतर्गत काम करेगी। श्रेणी 3 और श्रेणी 4, ये 2 कैटेगरी में बहुत सारे उपभोक्ता उद्योग को रखा गया, उसमें श्रेणी 3 पर भी सरकार का नियंत्रण रहेगा, सरकार का उपक्रम रहेगा, और श्रेणी 4 जो है वो उपभोक्ता उद्योग, कंज्यूमर गुड्स उद्योग है,
उस उद्योग को 1948 की औद्योगिक नीति ने पूर्णतः निजी क्षेत्र में रखा। तो इस तरह से 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने यह घोषणा किया कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर आपसे कोई पूछे कि दो शब्द में भारत को बताइए कि भारत क्या है, तो उत्तर होगा मिक्स्ड इकोनॉमी। दो शब्द में अगर कोई कहे कि भारत का वर्णन, कि भारत का बतलाइए दो शब्द में, तो कौन सा दो शब्द होगा? मिक्स्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था कानूनी रूप में 1948 की औद्योगिक नीति द्वारा मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में घोषित किया गया। मिक्स्ड इकोनॉमी वह इकोनॉमी है जहां एक साथ सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों कार्य करते हैं। कहीं कहीं पर दोनों एक साथ कार्य करते हैं, कहीं पर दोनों अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन देश के विकास में दोनों का योगदान होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस औद्योगिक नीति को स्वीकार किया, लेकिन उनके मन में था कि सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक से अधिक महत्व दिया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि चार क्षेत्र जो बांटा गया है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों क्षेत्र, तीनों श्रेणी सार्वजनिक क्षेत्र में रहेगा, और एक क्षेत्र जो लास्ट वाला है उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र, वो रहेगा निजी क्षेत्र में। इस तरह से 80-20 का वितरण हुआ। 80% सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत उद्योग रखे गए और 20% उद्योग निजी क्षेत्र में रखे गए। की औद्योगिक नीति में यह स्पष्ट किया गया कि सरकार की मंशा राष्ट्रीयकरण करने की नहीं है। जो उद्योग जहां काम कर रहा है वो काम करेगा, सरकार उसको जबरदस्ती राष्ट्रीयकृत करने नहीं जा रहा है, ताकि लोगों को कोई डर मरा हुआ नहीं रहे, उद्योग क्षेत्र में वातावरण नॉर्मल हो। और 1948 की औद्योगिक नीति 1956 तक चली। में भारत सरकार की ओर से भारत सरकार की ओर से भारत सरकार की ओर से 1956 औद्योगिक नीति लागू की गई, और 1948 की औद्योगिक नीति समाप्त हो गई। 1956 की औद्योगिक नीति में यह घोषणा किया गया कि देश के सभी उद्योगों को तीन श्रेणियों में बांटा गया। पहला तथा दूसरा, ये दो श्रेणी सार्वजनिक क्षेत्र में रखे गए और तीसरे श्रेणी को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया। इस तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था की व्यवस्था बनी रही। 80% उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में रहे, 20% उद्योग निजी क्षेत्र में रहे। 1956 की औद्योगिक नीति बहुत ही विस्तृत औद्योगिक नीति थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत में उद्योग को ही मंदिर माना जाए। उद्योग को उन्होंने टेम्पल को मंदिर माना।
कहा कि भारत के औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने के लिए सार्वजनिक उपक्रम को तेजी से विस्तार करना होगा। देश के औद्योगिक विकास के लिए लोहा उद्योग, सीमेंट उद्योग को तेजी से बढ़ाना होगा। और नेहरू जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसके लिए हमारे पास धन की कमी है, तो हम विदेशी पूंजी को लाएंगे। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व से आकर्षित होकर जर्मनी ने लोहा उद्योग के लिए विदेशी पूंजी दिया और उसे राउरकेला में स्थापित किया गया। जर्मनी के विदेशी पूंजी से ब्रिटिश सरकार से भी विदेशी पूंजी की प्राप्ति हुई, जिसे वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया रानी दुर्गापुर में। दुर्गापुर में स्टील का कारखाना इंग्लैंड के और विदेशी पूंजी से स्थापित हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिहार में बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करने का काम किया और बिहार में बोकारो स्टील प्लांट, जो पुराना बिहार था, झारखंड में चला गया, वो बोकारो स्टील प्लांट रूस के विदेशी पूंजी की सहायता से स्थापित की गई। 1956 की औद्योगिक नीति बड़ा ही संतोषप्रद था, क्योंकि इसके अंतर्गत भारत सरकार ने सोचा कि पूरे देश में ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, IIT इन सब संस्थानों को विकसित किया जाए। अमेरिका की सहायता से बहुत सारे औद्योगिक संस्थान को विकसित किया गया। 1956 की औद्योगिक नीति ने यह स्वीकार किया कि विदेशी पूंजी की सहायता से ही देश के औद्योगिकरण की गति को तीव्र किया जा सकता है। अगर भारतवर्ष को हम टेक ऑफ स्टेज में लाना चाहते हैं, उद्योग में टेक ऑफ करना चाहते हैं, तो टेक ऑफ करने के लिए स्टील का उत्पादन भारी मात्रा में बढ़ाना होगा। उनकी कही बात आज सत्य हो रही है। आज हमारे देश में लोहा तथा इस्पात की कोई कमी नहीं, हर गली मोहल्ले में आपको छड़ बिकता हुआ दिखता है। उस जमाने में सारे मकान, अधिकांश मकान खपड़ा और खपड़ा पोस होते थे। पक्का का मकान होना एक धनवान का परिचय था कि धनवान व्यक्ति ही इसको अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि स्टील जो है इंग्लैंड से आयात होता था। छड़ आवेगा कहाँ से? इंग्लैंड से, और तब ढलाई होगा भारतवर्ष। ऐसा करने की कुवत बहुत कम आदमी थी। भारतवर्ष में छड़ अगर खरीदना है तो टाटा का छड़ था, क्योंकि टिस्को ही एक स्टील का उद्योग था, हमारे आयरन स्टील इंडस्ट्री टिस्को। तो टाटा का इस उद्योग से अगर आपको लोहा लेना है तो कम से कम 2-3 साल आपको वेटिंग लिस्ट में नाम रहेगा, तब जाके आपका नंबर आएगा। तो ये आसान काम नहीं था, और नंबर लगाने में सरकार अपना नंबर लगा देती थी कि पहले हमको दो। सरकार ही बायर थी, ज़्यादा विकास का काम हो रहा था, तो निजी आदमी को छड़ मिलना, निजी आदमी को सीमेंट मिलना, ये लॉटरी के समान होता। तो इसलिए 1956 की औद्योगिक नीति ने कहा कि हम लोग विदेशी पूंजी पर स्टील के कारखाना को स्थापित करेंगे और इससे देश में लोहा का उत्पादन बढ़ेगा। पूरे देश में इंजीनियर, ओवरसियर और इंडस्ट्रियल वर्कर, टेक्नीशियन का एक जाल बिछाने के लिए उसी तरह का व्यवस्था किया गया कि कैसे मैट्रिक पास व्यक्ति ITI में एडमिशन लेगा और वो वर्कमैन बनेगा, इंटर पास जो है वो एडमिशन लेगा
पॉलिटेक्निक में और वो सुपरवाइजर बनेगा, और जो बीएससी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जाना चाह बीएससी का डिग्री इंजीनियरिंग में लेना चाहता है तो इंजीनियर बनेगा, और उसमें भी आरआईटी एनआईटी और आईआईटी ये सब कैटेगरी में भी और बटा, जिसका देश और विदेश में इंजीनियर की मांग बढ़ गई, होर लग गया इंजीनियर बनने का। हर गार्जियन अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता था, ये सपना नेहरू जी ने दिखाया लोगों को कि देश की तरक्की जो है उद्योग में है, देश का मंदिर जो है वो उद्योग है। देश में अगर आप तरक्की चाहते हैं तो इसी मंदिर को विकसित कीजिए, और जिसको कहा जाता है इंडस्ट्री। उन्होंने 1956 की औद्योगिक नीति में यह बात स्पष्ट कर दिया कि लघु उद्योग देश के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है, जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था का व्यवसाय टिका हुआ है। इसे लघु उद्योग को कई तरह की वो स्पेशल सुविधा प्रदान करने की बात कही। 1956 की औद्योगिक नीति के अनुसार लघु उद्योग और बृहद उद्योग एक दूसरे का पूरक है, लघु उद्योग और बृहद उद्योग एक दूसरे का पूरक है। लघु उद्योग के लिए रिजर्वेशन किया गया, 855 उद्योग को लघु उद्योग में लाया गया, और कहा गया कि ये जो 855 उद्योग है ये रिजर्व है, ये वस्तु 855 वस्तु रिजर्व है किसके लिए, लघु उद्योग के लिए। तो रिजर्वेशन दिया गया ताकि उस वस्तु को उत्पादन करने का काम लघु उद्योग करे, लघु उद्योग के बीच में प्रतियोगिता हो, न कि बृहद उद्योग करने लगे और लघु उद्योग को खा जाए। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बृहद उद्योग जो हम लगा रहे हैं तो देश की छोटी मछली को खा नहीं जाए, तो इसलिए 855 उद्योगों को घोषणा कर दिया कि ये केवल और केवल बनाएगा कौन, लघु उद्यमी, ताकि लघु उद्यमी बना रहे, उसका बाजार बना रहे, कोई बृहद उद्योग उसको निगलने का कोशिश ना करे। एक ही बहुत अच्छी शुरुआत थी। लघु उद्योग को उस समय में कई छूट भी दिया गया, जिसमें एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर नहीं लगाया जाता था ताकि उसका दाम कम हो। लघु उद्योग से अगर कोई सामान खरीदा जाता है सरकार द्वारा तो उस सामान के लिए कोई ऑडिट की जरूरत नहीं है। अगर आप लघु उद्योग से खरीदे हैं और आप सरकारी ऑफिसर हैं तो आपको कोई भी शक नहीं है कि आपके ऊपर कोई कहे कि आपने घूस लिया है या कमीशन खाया है, क्योंकि लघु उद्योग के द्वारा उत्पादित किए वस्तु को कोई भी सरकारी ऑफिसर अपने विभाग के लिए पर्दा है, कुर्सी है, बहुत सारा सामान है जो लघु उद्योग का डे टू डे काम में ऑफिस में लगता है, पेपर है, पेन है, पेंसिल है, कागज है, लिफाफा है, ये सब चीज जो है लघु उद्योग से खरीदा जाता था। इस तरीके से 1956 की औद्योगिक नीति में वर्चस्व किसका रहा, सार्वजनिक उपक्रम का, 80% सार्वजनिक उपक्रम रहेगा, 20% जो है निजी उद्योग का के क्षेत्र में वस्तुओं को रखा गया। 1956 की औद्योगिक नीति 1977 तक चली। में भारत में एक बड़ा ही जोरदार धक्का राजनीतिक क्षेत्र में लगा, और केंद्र से कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई। जनरल इलेक्शन हुआ और भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत सारे अपोजिशन वाले मिल गए और मिल करके कांग्रेस को हरा दिया। देश में नई सरकार बनी
और उसने 1977 की औद्योगिक नीति को लागू किया। 1977 की औद्योगिक नीति गैर कांग्रेसी सरकार की थी और ये पहली बार देश में आजादी के बाद गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। माननीय श्री मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर बने और बिहार के मुजफ्फरपुर से एमपी का इलेक्शन जीत कर जाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस जो सोशलिस्ट नेता थे वो उद्योग मंत्री बने। जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला का लाइसेंस रद्द कर दिया, आईबीएम कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया और लाइसेंस रद्द करने से एक सिग्नल गया कि भारत में विदेशी पूंजी की जरूरत नहीं है, भारत अपने स्वदेशी पूंजी से देश का विकास करेगा। 1977 की औद्योगिक नीति में देशी उद्योग, लघु उद्योग को ज्यादा महत्व देने की बात की गई जिससे कि रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि 1977 तक बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इसलिए 1977 में बेरोजगारी को तुरंत दूर करने के लिए स्वरोजगार अपनाने पर जोर दिया गया और एक टाइनी इंडस्ट्री TINY टाइनी इंडस्ट्री सूक्ष्म उद्योग जो लघु उद्योग सभी इसका आकार छोटा कॉटेज इंडस्ट्री कुटीर उद्योग से बड़ा है और लघु उद्योग से छोटा है। कुटीर उद्योग जो है जैसे पत्ता बनाना, चुकड़ बनाना, घड़ा बनाना, ये सब कुटीर उद्योग माना जाता है, तो कुटीर उद्योग से बड़ा होगा और लघु उद्योग से उसका आकार छोटा होगा। तो 1977 में टाइनी इंडस्ट्री सूक्ष्म उद्योग की स्थापना हुई। 1977 की औद्योगिक नीति में ये चर्चा किया जाने लगा कि देश में जो बड़े बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं उसको विभाजन करके उसको भी स्मॉल इंडस्ट्री में बदल दिया जाए ताकि उत्पादन तेजी से हो सके, मिक्स्ड इकोनॉमी की धारणा को 1977 की औद्योगिक नीति फिर से स्वीकार किया। लेकिन 1977 की औद्योगिक नीति दो साल तक चली, 1979 में ये सरकार गिर गई। अपोजिशन पार्टी भीतर में आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, कांग्रेस को हराने के लिए वो लोग मिल के एक हो गए थे, लेकिन एकता भीतरी नहीं थी, सरकार गिर गई और फिर से इलेक्शन हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी जीत कर वापस आई और वो बड़े जोरदार शब्दों में कही कि 1956 की औद्योगिक नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू की बनाई हुई थी, वो बहुत सोच समझ कर बनाई गई थी, उसको वापस लागू किया जाए। लेकिन अब तो 56 तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए नाम पड़ गया उसका 1980 की औद्योगिक नीति। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1977 की औद्योगिक नीति को खारिज कर दिया और 1980 की औद्योगिक नीति की स्थापना की। 1980 की औद्योगिक नीति की स्थापना किया और कहा कि जितनी भी बातें 1956 में थी वो सभी 1980 की औद्योगिक नीति में वापस लागू की गई। 1956 में औद्योगिक नीति जो थी उसमें कहा गया कि उद्योगों को लाइसेंस लेना होगा। 1980 की औद्योगिक नीति ने कहा कि लाइसेंस लेना सब कुछ जरूरी। 1980 की औद्योगिक नीति में कहा कि कोटा परमिट राज चलेगा, कोई भी वस्तु आपको उत्पादन करना है
तो सब कोटा आपको निर्धारित किया जाएगा, उसी कोटा के अनुसार आपको उत्पादन करना होगा। मनमानी ढंग से ज़्यादा उत्पादन करने की जरूरत नहीं, जितना परमिशन आपको दिया गया है उस लिमिट में रखें। तो इससे कोटा और परमिट सिस्टम चला। परमिट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, चीनी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सरकार के सप्लाई डिपार्टमेंट में जाकर अप्लाई कीजिए। अप्लाई कीजिएगा तो रिप्लाई में आपको एक वो परमिट बना के देगा कि आपको परमिट के अनुसार एक बोरा चीनी दिया जाता है, क्योंकि आप जो हैं चॉकलेट का निर्माण करते हैं। इस तरह से हर काम वाले को परमिट लेना पड़ता था, तब बाजार से आप उस चीनी को उठा सकते हैं। तो कोटा हो गया कि फिक्स्ड क्वांटिटी में आपको मिलेगा, कोटा से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। परमिट हो गया कि आपको परमिशन दिया गया खरीदने के लिए, तो इसको कहा जाता है कोटा परमिट राज। 1980 की औद्योगिक नीति में इंस्पेक्टर राज आ गया कि हर काम के लिए आपको इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन होगा और वो ओके करेगा, तभी आप उद्योग को खोल सकते हैं। उद्योग खोलने के लिए लगभग 16 प्रकार के नियंत्रण थे। क्या जो उद्योग खोल रहे हैं उससे कृषि को हानि तो नहीं होगी, आप जो उद्योग खोल रहे हैं इससे वन विभाग को हानि तो नहीं होगी, आप उद्योग खोल रहे हैं तो इससे देश के पोल्यूशन को बढ़ाने का काम तो नहीं करेंगे। इस तरीके के बहुत सारे क्लॉज उसमें थे जिसमें दबा था, कोई भी उद्यमी जो है वो पसंद नहीं करता था इतना ज़्यादा, लेकिन नियम था, कड़ा नियम था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रम 80% रहेगा और 20% रहेगा निजी उद्योग, और कड़ाई से इसको पालन किया जाएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि जो औद्योगिक नीति हमारा होगा, इस औद्योगिक नीति में जो सार्वजनिक उपक्रम है उसका नाम दिया कमांडिंग हाइट। कमांडिंग हाइट, कमांडिंग हाइट का मतलब हुआ कि वही कमांड करेगा सारे देश के उद्योगों को। कमांडिंग हाइट सारे देशों को, वो कमांडिंग हाइट का मतलब हुआ कि सारे देशों के उद्योगों के ऊपर सार्वजनिक उपक्रम का दबदबा रहेगा। जितने भी महत्वपूर्ण पूंजीगत वस्तु उद्योग थे, ये सभी उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र में थे। सबसे बड़ा रेलवे है जहाँ 16 लाख व्यक्ति काम करते हैं। रेलवे सरकारी क्षेत्र का ऐसा उदाहरण है जो संसार में इसका स्थान है। संसार में 16 लाख वाला एक सरकार सार्वजनिक उपक्रम में ये अनूठा है। तो ये 1980 की औद्योगिक नीति लागू हुई और 1977 की औद्योगिक नीति खारिज हो गई। 1980 की औद्योगिक नीति में कहा गया कि कुछ बातें 1977 की अच्छी है, जो टाइनी इंडस्ट्री, तो टाइनी इंडस्ट्री के कंसेप्ट को स्वीकार किया गया और कहा गया कि टाइनी इंडस्ट्री जो है वो लागू रहेगा। 1977 की औद्योगिक नीति में जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि हर जिला में एक इंडस्ट्री ग्रोथ सेंटर बनेगा, जो पता लगाएगा कि हर जिला में कहाँ कहाँ उद्योग लगाया जाए, जो उद्योग लगा हुआ उसकी क्या समस्या है। तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर उद्योग को के केंद्र को स्थापित किया गया। तो उस बात को 77 वाली बात को 1980 की औद्योगिक नीति ने स्वीकार किया। इस प्रकार 1980 की औद्योगिक नीति
विदेशी पूंजी की महत्ता को स्वीकार किया और वापस कोका कोला को लाइसेंस जारी किया, वापस आईबीएम कंपनी को लाइसेंस जारी किया। देश में फिर से विदेशी कंपनियों का आना आरंभ हो गया और विदेशी पूंजी का भारत में प्रवेश फिर से आरंभ हो गया। ये जो नारा था कि देश की पूंजी से करेंगे, 1977 की औद्योगिक नीति क्या कहता था कि लोकल टैलेंट लगाएंगे, लोकल साधन लगाएंगे, लोकल तरीके से करेंगे, सब चीज लोकल रहेगा, विदेश से हम कोई चीज नहीं लेंगे। इस धारा को खत्म कर दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने फिर विदेशों से एग्रीमेंट करना शुरू किया, विदेशी पूंजी देश में आने लगे, आईबीएम कंपनी भारत में आ गई, कोका कोला भारत में आ गई और धीरे धीरे और नई कंपनी आने लगे। 1980 की औद्योगिक नीति में फिर से सार्वजनिक उपक्रम को अधिक महत्व दिया गया और निजी उपक्रम उससे कम विस्तार कर पाया। 80% सार्वजनिक उपक्रम रहेंगे और 20% में निजी उपक्रम सिमटे हुए रहेंगे। 1980 से 1990 तक ये नीति चली और फिर कांग्रेस की सरकार गिर गई और वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर हुए 1990 में, लेकिन उनकी सरकार भी फिर गिर गई और 1991 में कांग्रेस की सरकार फिर से केंद्र में स्थापित हुई। कांग्रेस की सरकार की जो स्थापना हुई उसमें कुछ नई बातें उभर करके आई। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, राजीव गांधी जी उनके पुत्र प्राइम मिनिस्टर बने, काफी वोट से जीते, लेकिन अंदरूनी कलह जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन भीतर भीतर चल रहा था। और श्री राजीव गांधी जी की हत्या मानव बम के द्वारा दक्षिण भारत में हो गया। इलेक्शन का दौर चल रहा था और उस समय चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे। देश में 1990 में आर्थिक संकट आ गया, विदेशी मुद्रा हम लोगों के पास 1990 में मात्र था दिसंबर महीने में $1.26 बिलियन। $1.26 बिलियन था और देश पर देने की लायबिलिटी $80 बिलियन का था। देश को देना है विदेशियों को, जो हम लोग ऋण लिए रहते हैं, बॉन्ड लिए रहते हैं, डॉलर में लिए हुए हैं, डॉलर में बेचे हैं, वो ब्याज समेत लौटाने के लिए $80 बिलियन अगर जरूरत है तो हमारे स्टॉक में है मात्र $1.26 बिलियन। इस समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री चंद्रशेखर जी अपने सूझबूझ से इंग्लैंड में सोना गिरवी रखकर डॉलर प्राप्त किया और इस डॉलर क्राइसिस विदेशी मुद्रा के संकट को दूर किया और अर्थव्यवस्था फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। और उसी समय जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट पर कांग्रेस फिर से विजयी हुई, लेकिन अब राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी, कांग्रेस पार्टी में कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर बड़ा मुख्य बात था। उस समय में वातावरण जो था उसके अनुसार श्री नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर हुए और मनमोहन सिंह जी वरिष्ठ
शास्त्री विश्व स्तरीय अर्थशास्त्री हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर बने। एक नई युग की शुरुआत हुई। उस समय में उद्योग मंत्री श्री नरसिंह राव थे, प्राइम मिनिस्टर भी श्री नरसिंह राव थे, इसलिए उसको कहा जाता है श्री नरसिंह राव मनमोहन सिंह मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। राव और सिंह का जो कम्बिनेशन हुआ वो एक अनूठा कम्बिनेशन था और 1991 की औद्योगिक नीति स्थापित हुई जिसको कहा गया कि नवीन औद्योगिक नीति। 1991 की औद्योगिक नीति को क्या कहा गया? नवीन औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आज भी 2018 में नवीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की पॉलिसी। कहा जाता है कि व्हाट इज न्यू इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो नवीन औद्योगिक नीति 1991 में सबसे महत्वपूर्ण नवीन बातें क्या है? नंबर वन, लाइसेंस प्रथा को रद्द कर दिया गया। 1991 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस प्रथा रद्द हो गई। जो भी उद्यमी उद्योग लगाना चाहता है वो इसको लगाए, उसको सरकार के यहां एड़ी घिसने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि लाइसेंस लेने में ही आपका 4 साल बर्बाद हो जाता था, बड़े बड़े नेता के पीछे लगे रहिए, MP MLA के पीछे लगे तब वो देगा। तो उद्यमी जो है सिमट करके 25-30 परिवार जो है भारतवर्ष में वही उद्यमी का परिवार है। आम व्यक्ति में उद्यमशीलता का गुण विकसित हो ही नहीं पाया, तो लाइसेंस प्रथा को रद्द कर दिया गया। नंबर टू, कोटा परमिट राज को रद्द कर दिया गया। कहा गया कि मांग पूर्ति के द्वारा बाजार में उत्पादन का निर्धारण होगा, इसलिए सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं कि कितना उत्पादन करें। अगर आपके वस्तु की मांग है तो आप एक प्लांट से 2 प्लांट लगाइए, 3 प्लांट लगाइए, आपकी वस्तु की गुणवत्ता अधिक होगी तो मांग अधिक होगी। निर्यातक उद्योग है, निर्यात अधिक होगा तो आप अधिक उत्पादन करेंगे, तो कोटा परमिट राज की समाप्ति होगी। तीसरा, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति होगी। कहा गया कि इंस्पेक्टर जो जा करके तर्क करता है, सही को गलत, गलत को सही करता है, ऐसा रिपोर्ट कई अखबारों में आने लगा था, इंस्पेक्टर से दबा है उद्यमी, तो इंस्पेक्टर राज की समाप्ति कर दी गई। ये नवीन औद्योगिक नीति में नई नई बात है। परमिट सिस्टम समाप्त कर दिया गया, अब परमिट लेने की कोई जरूरत नहीं। नवीन औद्योगिक नीति में सबसे महत्वपूर्ण विश्व स्तर पर जांचा पड़का हुआ नीति को शामिल किया गया, उसको कहा जाता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का अर्थ होता है उदारीकरण। उदारीकरण की परिभाषा यह है कि देश में उन सारे कानून को बदल दिया जाए, उन सारे कानून को खत्म कर दिया जाए जो आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अंग्रेज के जमाने के बने हुए बहुत सारे कानून जो हैं वो अंग्रेज के हित में थे कि भारत का उत्पादन बढ़े नहीं, किसके हित में था? अंग्रेज के हित में था। उन 70 के गंदे कानून को जांच कर परख कर
अवसर समाप्त कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसी को उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण से यह स्पष्ट होता है कि देश में उन तमाम कानून को जो देश के विकास में बाधक तत्व बने हुए हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, उनको संशोधित कर दिया जाए, उनको पूर्णतः हटा दिया जाए। ऐसा करने से उदारीकरण की नीति पूरे देश में लागू होगी और उद्योग को स्थापित होने का मार्ग खुल जाएगा। नए नए उद्योग स्थापित होंगे उदारीकरण के अंतर्गत, कोई कानून के रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाएगा। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निजीकरण। निजीकरण क्या है? निजीकरण का अर्थ होता है कि हमारे देश में 80% सार्वजनिक उपक्रम है। कितना प्रतिशत है? 80%। तो सार्वजनिक उपक्रम का शेयर जो है 100% है सरकार के पास। तो 100% में 49% शेयर बेच दे निजी क्षेत्र से। तो